अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वंस अगेन वेरी वार्मली वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ लास्ट व्लॉग से, जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोग दावत पे गए थे अपने भाई की तरफ, और वहाँ से वापस आने के बाद हम लोगों ने जो है ये पिक्चर हैंग करनी थी, जो कि मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले शेयर की थी कि मैंने सेंटर पॉइंट से वॉल मेटल आर्ट्स लिए थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो एज़ आई टोल्ड यू कि वीकेंड ही होता है कि हम लोग जो मोस्टली काम होते हैं ना अपने घर के कर रहे होते हैं। तो जी फाइनली ये आप इसकी लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी लुक थी। तो अब इसको हम हैंग करेंगे और फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। लास्ट टू वीडियोस में ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमसे अपनी सेंटर पॉइंट की शॉपिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैंने भी यही सोचा था कि मैं पूरी एक दफ़ा सारी शॉपिंग आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि लाइक हमसे वेट ही नहीं हो रहा था। हम लोगों ने आधी जो है चीज़ें लगा दी थी, फिर आधी हम लोगों ने बाद में बाय की, तो बस ऐसे ही मिक्सअप करके जो है ना मैंने आज का व्लॉग जो है वह बना लिया। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग सब यही डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग किस तरीके से जो है ना इसको फिक्स करें, बिकॉज कि हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते थे और एज अ कर्व भी कर सकते थे। तो वो मैं अभी आपसे फाइनल होकर इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन जी उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये मेरी सेकंड शॉपिंग जो कि आप लोग कह सकते हैं कि की हैंगिंग है। अच्छा असल में की हैंगिंग नहीं, इसमें आप लोग ज्वेलरी भी हैंग कर सकते हैं अपने रूम में, लाइक बच्चियाँ रख सकती हैं, लेकिन ये मुझे बहुत डिफरेंट सा लाइक आइडिया लगा, तो मैंने जो है इसको की हैंगिंग बना दिया था। बिकॉज कि हम लोग जब आते हैं जाते हैं तो फिर हमें मिरर देखने की भी आदत होती है। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए जी, हो रहे हैं 1 o'clock और आज जुम्मे का दिन है, तो आज जो है ना हम लोग मेकओवर करने वाले हैं इस लिविंग रूम का। तो अभी तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैस है। आज मैंने फाइनली जो सारी चीज़ें थी ना, जो मैंने रमदान की डेकोरेशन की थी, वो सारी मैंने उतार ली हैं, तो अच्छे से अब जो घर है ना वो क्लीन हो गया। तो यहाँ पर ये जो सारा बॉक्स में मैंने चीज़ें रख ली, लाइक जब भी मुझे कोई डेकोरेशन करनी होती है लाइक बर्थडे की या कुछ भी, तो मैं अपना ये बॉक्स खोलती हूँ, इसी में से जो है चीज़ें निकाल कर जो है ना मोस्टली मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी आ जाते हैं, यहाँ पर जी मैंने ये शॉपिंग की थी। अच्छा ये जी है शॉपिंग मेरी कुछ इकिया की, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें अभी मैंने ऊपर से भी ये देखें सारा कुछ उतार दिया आज फाइनली, तो कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पर ही पड़ी हुई हैं, तो इनको संभालते हैं। अच्छा शॉपिंग जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा नहीं थी की, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी, क्योंकि जब आप इकिया चाहते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ आप ले ही लेते हैं। बेसिकली ना मुझे जो है टीवी यूनिट के लिए ट्रॉली के लिए जाना था, कुछ मुझे अच्छा नहीं मिला, फिर मैंने ये ना, तो फिर मैंने कहा चले थोड़ा सा लुक तो चेंज करना है अपना लिविंग रूम का, तो फिर मैंने ये एक बड़ी सी जो ना शेल्फ ले ली थी। तो ये मैंने ना आई थिंक 5 dollar शॉप से ली थी, तो ये भी जो है ना हस्बैंड आज जो है ना अपनी टाइम फिक्स करने के लिए, तो मैंने कहा चले ये भी लिखवा लेती, इसलिए मैंने यहाँ बाहर ही रख दिया इसको। तो दिखाते हैं क्या लिया था मैंने। अच्छा ये जो बॉल जो है ना, ये पायरेक्स के बॉल हैं, तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस के मिल जाते हैं वहाँ से, तो बहुत अच्छा साइज है इसका। ये मैंने एक ले लिया था, तो जी एक ये हम लोगों ने ले लिया था आइसक्रीम बनाने के लिए। तो आपको पता गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, तो मैंने कहा चले मैं खुद से भी कुछ ट्राई करूँगी, तो एक ये मैंने ले लिया था। अच्छा कुछ शॉपिंग इनके लिए दोबारा से ज़्यादा नहीं थी, ये भी मैंने एक लिया था। प्लास्टिक बॉल्स जितने भी घर में हों उतने ही कम होते हैं, तो ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। और यहाँ पर चीज़ दिखा देती हूँ, चीज़ें बहुत ऐसे करके निकालती हूँ, अभी आज जो ना आप मेरा घर फुल ऑफ मैसी देख रहे हैं। अच्छा ये जो हम लोगों ने शेल्फ ली है ना उनके साथ ये रॉकेट्स, और ये एक लिया था जी, ये मैंने शक्ल लिया था, तो उसको भी थोड़ा सा अपना डेकोरेट करना था अपना स्टडी टेबल, तो उसके लिए मैंने ये लिए थे। अच्छा ये भी मैंने एक बॉल लिया है इकिया से, तो इसका साइज़ भी आप देख के बड़ा ज़बरदस्त है। सैलेड के लिए कोई भी आप डेजर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अभी ईद में मुझे बनाना था एक डेजर्ट, तो उसके लिए मैंने ये बोल लिया है। और आई थिंक अच्छा उसके अलावा ये देखिए मैंने लिए थे मैट्स, कैले रनर कैले, ये भी बहुत ही चीप प्राइसेस में मिल जाते हैं। लाइक जब भी मैं जाती हूँ ना किया तो मैं ये ज़रूर ले लेती हूँ, तो आपको पता है वॉशरूम के आगे जो मैट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ना फ़ौरन से चेंज भी करती रहती हूँ। तो ये मैंने ले लिए थे एक, ये तो मैं बल्कि अब नीचे ही रखती हूँ। और उसके अलावा जो है मैंने ये लिए थे वीडियो बनाने के चक्कर में ना चीज़ें ना मैं गिरा दूँ, पहले मैं उनको जो है ना साइड पर करती हूँ। अच्छा ये देखिए ये एक मैंने लिए थे रनर कह सकते हैं आप, तो ये देखिए ये भी मैंने एक लिए थे, आप मैट कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लाइट स्टफ़ के हैं। तो बस जी ये थी शॉपिंग हमारी, अभी जो है साथ साथ जो है मैं आपको चीज़ें दिखाती जाती हूँ। अच्छा ये जो मैंने एक लिया था ना, ये वॉल आर्ट जो कि मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था, तो ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, लाइक बहुत ही वॉल एम्प्टी लग रही है, तो देखिए इसके साथ मैं कुछ करूँगी,
ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पर जो है ना दोपहर के 2 बज रहे थे और बस हम लोगों ने नमाज वगैरह से फ्री होकर सब लोग जो है ना अपने अपने काम पे लगे थे। तो आज काफ़ी ज़्यादा लाइक छोटे मोटे काम थे जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग में थे, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे वॉल हैंगिंग भी लगवानी थी और आज हस्बैंड अपने टूल्स लेकर आए हुए थे, तो मैंने कहा चले इन टूल्स का फ़ायदा उठाते हैं और जो जो काम पेंडिंग में है वो कर लेते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से ये करना चाह रही थी, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये बॉक्सेज आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा यहाँ पर देखे होंगे, इनको भी यहाँ से मैं रिमूव करना चाह रही थी। बेसिकली ना मुझे अपने टीवी का सेक्शन ना उसी को थोड़ा सा चेंज करना था, बट मुझे जो शेल्फ चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं। तो इंशाल्लाह जो है मे बी मेरा नेक्स्ट फ्राइडे जो है ना दोबारा से IKEA जाने का प्लान बने और मुझे अगर मिलेगी तो मैं वो ज़रूर लेकर आऊँगी। अच्छा, तो आज ना मेरी पूरी कोशिश थी कि आज हम लोग सारे काम समेट लेंगे, लाइक जितना मैं पड़ा हुआ घर में सारा क्लियर कर लेंगे। लेकिन क्या था कि जूँ जूँ हम लोग वो शेल्फ वगैरह और बॉक्सेस वगैरह उतार रहे थे ना, तो वॉल्स बहुत ही गंदी लग रही थी। तो फिर मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आप मुझे पेंट ला दीजिएगा, मैं खुद ही हल्का हल्का सा ना टचअप कर दूँगी और ताकि जो है ना घर अच्छे से नीट एंड क्लीन लगे। तो इसी वजह से जी काम हमारे पेंडिंग में पेंडिंग जाते जा रहे हैं। तो बाहर जी काम हो रहा था, मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर जी वाटरमेलन काटा जा रहा है। तो अक्सर मैंने आप लोगों से शेयर किया ना कि फ्राइडे वाले दिन क्या होता है कि हस्बैंड पाकिस्तानी स्टोर जाते हैं और वहाँ से फ्रूट्स लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जी आप लोग कह सकते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं ना वो किसी तबरक से कम नहीं होते और इसकी कदर जो है ना हम लोगों को ही पता है जो कि बाहर रहते हैं। और आई एम श्योर कि जो पाकिस्तान की फ्रूट्स का टेस्ट है ना वो दुनिया के किसी भी फ्रूट्स का टेस्ट वैसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो हमारे घर में ना वाटरमेलन कोई भी नहीं खाता, जस्ट मुझे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसका जूस बना लेती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा मैंने ब्लैक नमक डाला था और सिंपली से ये मैंने जूस बना लिया था ताकि जो है ना वाटरमेलन जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और जैसे कि आपको पता है वाटरमेलन ज़्यादा देर भी पड़ा रहे तो उसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहता। और यहाँ पर जी साथ ही मैंगोज पड़े हुए थे, तो बच्चों का तो जो है मैंगो खाने का दिल चाह रहा था। मैं उनको कह रही थी कि आप लोग शेक पी लें बिकॉज कि शेक ज़्यादा हेल्दी होता है। और बस मेरी यही कोशिश होती है कि जल्दी से जो है ना फ्रूट्स को मैं यूज़ कर लूँ, बिकॉज कि आपको पता है कि सारे फ्रूट्स इतने डेलीकेट होते हैं, ऊपर से पाकिस्तान से आते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिनों में ना मैं उनको ख़त्म कर दूँ। अच्छा, तो मैं अगर जूस बना लूँ ना फिर बच्चे भी पी लेते हैं। वैसे तो बच्चे जो है वाटरमेलन नहीं खाते, लेकिन जूस जो है ना वो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों के बच्चे भी जो है वाटरमेलन नहीं खाते तो आप लोग ट्राई करें, मे बी जो है उनको जूस पसंद आए। तो अगर आप लोग बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ये डिहाइड्रेशन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हर जगह, तो मैं कभी कभी जो है ना इसके अंदर लेमन भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं मैंगो मिल्क शेक बना रही थी और आज मेरे घर आई थिंक सेकेंड टाइम मैंगोज आए थे। तो बस जी बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है मैंगोज खाने की, तो बच्चों को तो होता है कि बस हम मैंगोज खाएँ। और मैं इनको कह रही थी आप लोग मिल्क शेक पी लें, तो मिल्क शेक ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बस यहाँ पर मैं मिल्क शेक बना रही थी और मैं मैंगो का जब मिल्क शेक बनाती हूँ ना तो उसके अंदर थोड़ी सी मैं स्ट्रॉबेरीज भी ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर आप लोग ना वनीला आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी ना बहुत ही मज़े का शेक बन जाता है। तो मैं तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास रेड बेरीज हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंगोज़ का जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ के साथ बेरीज़ के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पर जो मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है, थोड़ी सी मैंने फ्रोज़न वाली जो है स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर दी, तो इससे मुझे जो है ना लाइक मैं आइस भी नहीं डालती क्योंकि आपको पता है आजकल जो है ना वायरल बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो बस मैंने जो है ना नॉर्मल सा ही ठंडा रखा था। अगेन अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी आइस भी डाल सकते हैं या फिर चिल्ड जो मिल्क है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी बस हमारा मज़ेदार सा शेक रेडी हो गया, तो इनको ग्लास में पोर करेंगे और फिर हम लोग इंजॉय करेंगे। अच्छा, तो मेरे बच्चे आप लोग कह सकते हैं मिल्क शेक लवर नहीं है, लाइक वो इतने शौक से नहीं पीते, जस्ट वो पी लेते हैं। तो बस उनको जो है ना मैंगो खाने से मतलब होता है, तो मैं उनको कहती हूँ कि मिल्क शेक जो है ना वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बस उनको जो है ना थोड़ा सा लाइक खुश करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़े से मैंगो चंक्स भी डाल दिए थे ताकि जो ना ये शौक से जो ना शेक ले लें। तो यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार से हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स रेडी हैं जिनको अब हम इंजॉय करते हैं। और आप देखिए जी इनकी फाइनल लुक। तो गाइज़ ये देखिए जी हमारे जामुन, जो कि आप कह सकते हैं इसको हम एज अ तबरक ही खाएंगे, बिकॉज़ कि इतने से ही जामुन मिले थे। हस्बैंड बता रहे थे कि सारे ही जामुन ख़त्म हो चुके थे और क्या करते हैं यहाँ पर मुझे दिखाना याद ही नहीं रहा, बहुत छोटे छोटे से पैकेट्स बनाए होते हैं लोगों ने, तो लाइक एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं और बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो जी बस इन्हीं मौक़ों के लिए किसी ने कहा है ना कि ना होने से बेहतर है कुछ होना। तो गाइज़ यहाँ पर जी ये शाम के क्लिप्स हैं, मैं आई थी जी मार्केट। मैं मार्केट तो आ गई थी लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था मार्केट आने का। एक तो मैं सुबह की काम कर करके इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, और यही रीज़न थी कि मैंने बीच में कुछ क्लिप्स भी नहीं बनाए, बिकॉज अगर हम लोग वीडियो बनाने लग जाए ना तो काम जो है ना मज़ीद पेंडिंग में चले जाते हैं।
तो बस मैंने जो है ना टेबल चेंज कराया था, तो उन्हीं पैसों से मुझे कुछ बाय करना था, तो ये ट्री भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग में था, तो मैंने कहा चलें ये ट्री बाय कर लेते अच्छा हैं। तो ना घर से मैं यही सोच कर आई थी कि मुझे जस्ट जो है ना ट्री लेना है, और हम लोग काफ़ी लेट ही आए थे, लेकिन जी मैं मार्केट जब आती हूँ ना, लाइक स्पेशली जब मैं होम डेकोर सेक्शन में आती हूँ, तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी रिजिस्टिंग नहीं कर पाती, और आई एम श्योर कि जो लोग भी होम डेकोरेशन का लाइक जिनको शौक है तो वो मेरी इस बात से फुली एग्री करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो गई थी डन, और इंशाल्लाह भी मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। उससे पहले ये जो आप मेरे डिनर के क्लिप्स देख लें। तो जी ये मार्केट से आने के बाद के क्लिप्स हैं, और मैंने घर आकर जल्दी जल्दी से जो है दाल चावल बनाए थे भी खोज के, हम लोगों ने रात को भी बाहर से खाना खाया था, तो बस मैंने कहा चले कुछ बना लेते हैं, इजीली से यही बन जाएगा। और यहाँ पर जी मैं अब अपना खाना इंजॉय करूँ। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे टेबल को चेंज कराना था सेंटर पॉइंट से, तो उसकी बजाय फिर मैंने ये चीज़ें ले ली थी। तो ये देख सकते हैं ये भी 3 पीसेज ऑफ फ्लावर के जो है ना वॉल आर्ट है, एक ये ले लिया था मैंने, और एक ये देखे जी क्यूट सा प्लांट मैंने ले लिया था, ये भी मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, तो इसकी प्राइस भी देखिए काफ़ी रीजनेबल है, जस्ट 50% ऑफ में मुझे मिला है, 18 का था पहले और अभी 9.45 का मुझे मिला है। अच्छा एक मैंने ये बाय किया, एक मैंने ये ले लिया था, और एक ये देखिए जी ये मैंने ना वुड स्टिक ली थी, ये वाली काफ़ी लॉन्ग है ये। तो अच्छा इसको लेने का क्या मामला था, तो ये आप सामने मेरी वॉल देख सकते हैं, ये मुझे बहुत ही लाइक एम्प्टी लग रही है, लाइक मुझे अच्छी नहीं इसके कोई लुक आ रही थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा और इसको थोड़ी सी लुक देते हैं, तो फिर मैंने ये वॉल आर्ट ले लिए थे। आई डोंट नो कि कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं। खैर अभी जो है मुझे क्लीनिंग करनी है, बिकॉज कि कल जो है हम लोगों ने शेल्फ वगैरह फ्राइडे वाले दिन ये सारी काम कर लिए थे, तो अभी बस क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से सब चीज़ों को सेट कर फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है बास्केट, ये भी मैंने आपको काफ़ी दिनों से आप देख ही रहे होंगे। तो गाइज ये जो रनर है ये आपको मैंने कल दिखाए थे फ्राइडे की शॉपिंग, जो मैंने इक्या की शॉपिंग शेयर की थी, तो ये बस वही मैट हैं और सब चीज़ें जो है ना ऐसे ही पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह जो है थोड़े से काम पेंडिंग में वो हो जाए, अच्छे से मैंने अभी क्लीनिंग करनी है तो वो हो जाए, फिर सब चीज़ों को जो है ना मैं सेटल करूँगी। अच्छा तो ये बास्केट देख लें, ये भी देखें बहुत प्यारी बास्केट है, और आजकल ये बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो ये मैंने ये भी सेंटर पॉइंट से बाय की है, तो उसकी प्राइस आप देख लें जी 6.9 थी, जो कि पहले 15K की थी, तो अच्छी ऑफ थी, 55% ऑफ थी, तो ये देखें बहुत ही अच्छी आजकल लाइक आप कह लें कि ये जो चीज़ों का ना फैशन बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है। तो चले जी इनको नीचे रखते हैं, और ये आपसे टेबल भी शेयर करती हूँ। ये टेबल आपने देखा मैंने इकिया से बाय किया था, जो कि आई थिंक मैंने कल आपको नहीं दिखाया था, तो जो मुझे सेंटर पॉइंट का टेबल चेंज करके मैंने ये टेबल रख लिया था, तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, बड़ी प्यारी मॉडर्न सी लुक है, और आप लोगों को पता है मुझे वाइट फर्नीचर वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भी एक चीज़ें थी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा तो ये मुझे ना बहुत ही सस्ती शॉपिंग मुझे मिल गई थी, ये देखिए ये बहुत ही आई थिंक इनकी प्राइसेस लिखी होंगी, जस्ट मुझे ये 500 फिल्स के मिले थे, विच वाज वेरी रीजनेबल प्राइस, और ये पहले काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो ये भी मुझे मैंने सेंटर पॉइंट से बाय किए हैं, तो आई थिंक कहीं पर भी प्राइस नहीं लिखी हुई इनकी, तो ये भी मुझे बहुत ही जो है ना अच्छी प्राइस में मिल गए थे। तो मैंने कहा चले टेबल्स के कवर भी चेंज कर लेंगे, अगर थोड़ा सा मेकओवर कर रही है अपने लिविंग रूम का, तो फिर अच्छे से सारा करते हैं। और क्या था जी, आई थिंक एक मैंने ट्रे बाय की थी, हाँ जी ये जो है ना मैंने एक ट्रे ली थी। तो जी ये थी मेरी शॉपिंग, होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग होगा लिविंग रूम के मेकओवर से, तो वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।